नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। हॉटस्पॉट एरिया में लगातार पुलिस प्रशासन सख्ती बरता हुआ है, लेकिन फिर भी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और फिर भी लोग लगातार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार समझाया जा रहा है कि हॉटस्पॉट में पूर्णते, फिर भी ना भाई साहब मास्क पहने हुए हैं और ना ही हेलमेट लगाए हुए हैं और जिद कर रहे हैं लगातार निकलने की। तो क्या है ये, क्या अभी भी लोग सचेत नहीं हुए इसके लिए? सचेत होना पड़ेगा और अपने आप को बचाना पड़ेगा। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि हमें सचेत होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लेकिन अभी भी भाई साहब नहीं मान रहे हैं। हॉट ऑट ये तो मालूम है, आना जाना मना, लेकिन काम वाला काम से तो जाएगा। तो लगातार समझाया जा रहा है, तो आप क्यों जा रही हो फिर यहाँ से? काम के नहीं है तो जाए ही जाएगा ना। लोगों को समझाया तो जा रहा है और इतना होमवर्क भी हो चुका है 22 मार्च से लेकर आज तक, लेकिन फिर भी ये होमवर्क बेकार गया लगता है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। हॉटस्पॉट हो, कंटेनमेंट एरिया हो या फिर लॉकडाउन, सबको रख दिया है ताक पर। ना मास्क लगाएंगे, ना हेलमेट पहनेंगे, गाड़ी पर भी दो लोग चढ़ के चलेंगे। चालान कटे या ना कटे, हमारी भला से। और यदि चालान कट भी जाता है तो दुहाई दी जाती कि लॉकडाउन से तो वैसे ही मरे हुए हैं, चालान काट के और मार दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मानिए, अन्यथा स्थिति बिगड़ जाएगी, सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी।